हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है द इंटरव्यू। ठीक है, सीबीएसई क्लास 12 इंग्लिश का। इसका आज हम लोग समरी और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और अगर आपको इस चैप्टर के ऊपर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले इस स्टोरी का दो पार्ट है, पार्ट वन और पार्ट टू। तो पार्ट वन में हमें बताया गया है इंटरव्यू के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, बोला जा रहा है कि इंटरव्यू जो है वो 130 ईयर्स से वो शुरुआत हुआ था और ये आजकल जर्नलिज्म में काफ़ी कॉमन हो चुका है। और इंटरव्यू के रिलेटेड हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। ठीक है, कोई इंटरव्यू को अच्छा मानते हैं, कोई बुरा मानते हैं। ठीक है, और बोला जा रहा है कि इंटरव्यू को कोई लोग एक सोर्स ऑफ ट्रूथ मानते हैं और इसका जो प्रैक्टिस है वो एक आर्ट है। जो लोग अच्छा मानते हैं इंटरव्यू का, इंटरव्यू को जो अच्छा मानते हैं, उनका ये कहना है। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं, जो मेनली सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, वो लोग मानते हैं कि इंटरव्यू जो है वो एक अननेसेसरी इंट्रूजन है इनटू देयर लाइफ्स। मतलब उनके प्राइवेट लाइफ में एक बिना मतलब का दखल है, वो लोग मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों का व्यू पॉइंट बताया गया है। वी एस नायपॉल जो है वो मानते हैं कि इंटरव्यू से लोग क्या हो जाते हैं, वाउंडेड हो जाते हैं और अपना एक पार्ट लूज कर देते हैं। वी एस नायपॉल का ऐसा मानना है। वहीं लुइस कैरोल का मानना है कि इंटरव्यूअर से उन्हें क्या था, हॉरर था। ठीक है, उनको डर था इंटरव्यूअर से और उन्होंने कभी इंटरव्यू देने के लिए एग्री नहीं किया। ठीक है, ये उनका व्यू पॉइंट था। और आगे चल के फिर रुडियार्ड किपलिंग का बारे में बताया गया है। इनका मानना है कि रुडियार्ड किपलिंग ये मानते हैं कि इंटरव्यू लेना एक क्या है, एक इमोरल एक्ट है। ठीक है, और जो इंटरव्यू लेता है मतलब वो एक क्राइम कमिट करता है, ठीक उसी तरह की जैसा कि एक पर्सन किसी के ऊपर असॉल्ट करे, फिजिकल अटैक करे। ठीक है, मतलब वो मानते हैं कि इंटरव्यू क्या है, एक फिजिकल अटैक है और जो इंटरव्यू लेता है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये कावर्डली और बहुत ही बुरा एक्ट है, रुडियार्ड किपलिंग का ये मानना है। ठीक है, और एच जी वेल्स जो है वो उनका भी राय उतना अच्छा नहीं है इंटरव्यू से रिलेटेड। और फिर आगे चल के सॉल बेलो का भी व्यू पॉइंट बताया गया है। ये तो मानते हैं कि इंटरव्यू क्या है, एक लाइक अ थंब प्रिंट है ऑन हिज विंड पाइप, मतलब गला दबाना जैसा हो जाता है इंटरव्यू लेना। ठीक है, तो ये सब राइटर जो है उनका व्यू पॉइंट आपको याद रखना है। पहला है वी एस नायपॉल, दूसरे है लुइस कैरोल, तीसरे है रुडियार्ड किपलिंग, फोर्थ है आपका एच जी वेल्स, फिफ्थ सॉल बेलो। सबका नाम और व्यू पॉइंट याद रखना है। इसको हम क्वेश्चन आंसर में इंक्लूड किए हुए हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब जाते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पे। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉइंट्स भी है इंटरव्यू का। इंटरव्यू जो भी है एक क्या है, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। एक तो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे ये था कि एक इंटरव्यू क्या है, एक सोर्स ऑफ ट्रूथ मानते हैं कुछ लोग, और ये एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, और हम लोग जितने भी हमारे कंटेम्परेरी है उनके बारे में हम लोग जान पाते हैं ऑल बिकॉज ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, और ऐसा व्यू पॉइंट किसका है, डेनिस ब्रायन का है ऐसा व्यू पॉइंट, वो ऐसा मानते हैं। तो ये इस फर्स्ट पार्ट में हमने देखा इंटरव्यू के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। अब है यहाँ पे पार्ट टू। पार्ट टू में हमें एक इंटरव्यू का एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें इंटरव्यू मुकुंद ले रहे हैं। ठीक है, मुकुंद द हिंदू अखबार से आए हुए हैं और इंटरव्यू दे कौन रहे हैं, अम्बर्टो इको। ठीक है, ये एक प्रोफेसर है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना इन इटली। तो ये दो नाम याद रखना है, अम्बर्टो इको इंटरव्यू दे रहे हैं और मुकुंद इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो मुकुंद उनसे सवाल पूछते हैं कि आप इतना वर्सेटाइल मतलब लिखते हैं, काफ़ी सारा फिक्शनल राइटिंग भी करते हैं और नॉन फिक्शनल राइटिंग भी करते हैं, तो इतना सब करने के लिए आप कैसे इतना मैनेज कर पाते हैं। तो अम्बर्टो इको जवाब देते हैं कि लोगों को लगता है कि मैं काफ़ी अलग अलग चीज़ें लिखता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि मैं जो भी लिखता हूँ उसमें मैं सेम बंच ऑफ एथिकल एंड फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, ठीक है, उनका जो भी एथिकल और फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है उसी चीज़ के बारे में वो लिखते रहते हैं। अब ये एथिकल और फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट क्या है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि पहले जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो है उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया जा चुका है, आप वहाँ पे जाके देखिए उसको। ठीक है, तो वो अम्बर्टो इको जवाब देते हैं कि वो जो भी एथिकल और फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है वो सब उसी यही थीम के ऊपर हर चीज़ में वो लिखते रहते हैं। तो वो सेम चीज़ हर जगह लिखते रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि वो बहुत ही डिफरेंट वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ऐसा बोलते हैं। फिर मुकुंद पूछते हैं कि आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता है इतना चीज़ लिखने का, तो वो बोलते हैं कि वो इंटरस्टाइस मतलब एम्प्टी स्पेस पे काम करते हैं। अब ये एम्प्टी स्पेस क्या होता है कि जो भी उन्हें खाली समय मिलता है,
यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था उन्होंने कि मान लीजिए जो इंटरव्यू ले रहे थे मुकुंद, वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में आ रहे हैं लिफ्ट के जरिए, तो तब तक ये जो अम्बर्टो इको है वो यहाँ पे बैठे बैठे क्या करेंगे, वो क्या करते हैं एक दो कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो खाली समय था इंतज़ार करने का, वो ऐसे खाली समय को वो यूटिलाइज़ करते हैं, वही यहाँ पे बोला गया कि वो एम्प्टी स्पेस को यूज़ करते हैं, इस वजह से उन्हें इतना सारा टाइम मिल जाता है और वो इतना ज़रा डिफरेंट वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पे वो लिख पाते हैं। ठीक है, फिर मुकुंद पूछते हैं कि योर नॉन फिक्शनल राइटिंग और स्कॉलरली वर्क जो आप लिखते हैं, देखिए राइटिंग जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है फिक्शनल और एक होता है नॉन फिक्शनल। तो ये जो फिक्शनल राइटिंग है ना, फिक्शनल राइटिंग, इसमें क्या कहता है इंसान अपने सोच सोच के लिखता है, और नॉन फिक्शनल राइटिंग मतलब इसमें एकेडमिक टेक्स्ट आते हैं, ठीक है, इसमें आपको फैक्ट्स वगैरह लिखना होता है, नॉन फिक्शनल, ठीक है, बेस्ड ऑन रियलिटी होता है ये। तो बोलते हैं कि आप इतने सारे नॉन फिक्शनल जो राइटिंग करते हैं, मतलब जो स्कॉलरली वर्क, जो स्कूली किताब जो आप लिखते हैं, वो जो नॉर्मल स्कूली किताब होता है उनसे काफ़ी अलग है आपका लिखने का तरीका। जो रेगुलर एकेडमिक टेक्स्ट जो होता है, जो नॉर्मल बुक सब होता है, उसमें वो क्या होता है डी पर्सनलाइज, उसमें कोई पर्सनल टच नहीं होता है और काफ़ी बोरिंग भी होता है। लेकिन आपका जो बुक होता है, जो नॉन फिक्शनल राइटिंग जो है आपका, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों है, तो अम्बर्टो इको जवाब देते हैं, वो बोलते हैं कि एक बार जब वो यूनिवर्सिटी में थे, तब उन्होंने जब डॉक्टोरल डिसर्टेशन सबमिट किया था अपना, एक रिसर्च होता है, वो जब सबमिट किया था तब उन्होंने क्या किया था कि अपने रिसर्च में उन्होंने ये भी सब लिखा था, क्या बोलते हैं ये रहा, क्या सब इंक्लूड किया था, द ट्रायल्स एंड एरर्स, रिसर्च करते वक्त क्या क्या उन्होंने ट्राई किया और क्या क्या एरर्स हुआ, वो सब उन्होंने लिख दिया रिसर्च पेपर में। और ये जो उनका लिखने का तरीका था, वो जो प्रोफेसर थे उनको काफ़ी पसंद आया था, तब उन्हें ये बात समझ में आ गया 22 साल की उम्र में कि स्कॉलरली बुक्स जो होते हैं, स्कूली किताब जो होते हैं, वो जो जो जिस तरीके से उन्होंने लिखा था वैसे ही लिखना चाहिए, मतलब उन्होंने कैसे लिखना चाहिए, बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, रिसर्च कैसे किया गया उसको एक स्टोरी के रूप में लिखना चाहिए, ऐसा लिखने का तरीका उनका उनका ये मानना है कि ऐसे लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो उसीलिए वो बोलते हैं कि वो उनके जितने भी एसेज होते हैं सब में एक नैरेटिव एस्पेक्ट देखने को मिलता है, हर चीज़ एक नरेट किया जाता है, हर चीज़ लगता है कि स्टोरी ऐसा लिखा गया है। ठीक है, और यही रीज़न है कि उन्होंने जब वो 50 साल के हो गए तो उन्होंने क्या लिखना शुरू किया, नॉवेल्स लिखना शुरू किया। नॉवेल्स क्या होता है, एक टाइप का वो फिक्शनल राइटिंग है। ठीक है, फिक्शनल राइटिंग जिसमें नरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो अम्बर्टो इको है वो दोनों टाइप के राइटिंग करते हैं, फिक्शनल भी और नॉन फिक्शनल भी। नॉन फिक्शनल मतलब एकेडमिक टेक्स्ट आ गया आपका और स्कॉलरली बुक्स आ गया यहाँ पर, और फिक्शनल मतलब नॉवेल्स आ गया और नैरेटिव्स आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये सबको यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, नॉन एकेडमिक टेक्स्ट। फिर आगे और बातचीत होता है, फिर मुकुंद जो है वो पूछते हैं कि आपने जो बुक लिखा हुआ है, आपने तो बोथ, आप जो है तो बोथ टाइप का राइटिंग करते हैं, फिक्शनल भी लिखते हैं, नॉन फिक्शनल भी लिखते हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि आपने सिर्फ 5 नॉवेल्स लिखा हुआ है, मतलब 5 फिक्शनल राइटिंग किया हुआ है, 5 नॉवेल लिखा है बल्कि, और जबकि नॉन फिक्शनल राइटिंग आपने लगभग 40 तो किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक नॉवलिस्ट के रूप में ज़्यादा फेमस है। ठीक है ना, आप 40 बुक लिख के भी उतना फेमस नहीं हुए नॉन फिक्शनल टाइप का, जबकि आपने 5 नॉवेल्स लिखा हुआ है और आप काफ़ी ज़्यादा एक नॉवलिस्ट के रूप में फेमस है, तो इसका क्या रीज़न है। तो अम्बर्टो इको जवाब देते हैं कि हाँ, उससे मुझे थोड़ा टेंशन तो होता है कि मैं एक नॉन एकेडमिक के रूप में ज़्यादा फेमस हूँ, नॉन एकेडमिक के रूप में ज़्यादा फेमस हूँ, ना कि एक एकेडमिक के रूप में। तो वो बोलते हैं कि मैं एक ऐसा प्रोफेसर हूँ जो सिर्फ संडेज को नॉवेल्स लिखता है। ठीक है, और वो जितने भी एकेडमिक कॉन्फ्रेंस होते हैं, ये वाला इसका जो इतना भी मीटिंग होता है राइटर्स लोग का, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, लेकिन बोलते हैं कि चलो फिर भी ठीक है, लोग को ज़्यादा ये ज़्यादा पसंद है, ऑडियंस ज़्यादा इसका बड़ा है फिक्शनल वाले का, इसलिए मैं ज़्यादा एक नॉवलिस्ट के रूप में फेमस हुआ हूँ, तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है। फिर मुकुंद पूछते हैं कि आपका एक नॉवल है जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज, इधर कहीं लिखा होगा ये रहा। ठीक है, आपका एक नॉवल है द नेम ऑफ द रोज, ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया, इसका फेमस होने का रीज़न क्या है। तो अम्बर्टो इको बोलते हैं कि लोगों को क्या है कि ये जो नेम ऑफ द रोज है, जो इन्होंने नॉवल लिखा था, वो एक काफ़ी डिफिकल्ट नॉवल है। ठीक है, उसमें उन्होंने मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, मेडिवल हिस्ट्री, ये सब चीज़ इंक्लूड किया हुआ था इस नॉवल में। तो बोलते हैं कि लोगों को क्या है कि डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस चाहिए। ठीक है, ऐसा जर्नलिस्ट और पब्लिशर लोग नॉर्मली मानते हैं कि लोगों को क्या पसंद है, ट्रैश, ट्रैश मतलब
बेकार सा चीज़, मतलब इजी चीज़ लोगों को पसंद है। लेकिन अम्बर्टो इको क्या किए हैं, इस नोवेल में काफ़ी सारे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट डाले हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, डिफिकल्ट राइटिंग है थोड़ा, तो लोगों को ऐसा डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस चाहिए जो कि थोड़ा हटके हो, तो वो ये बोलते हैं। फिर मुकुंद पूछते हैं कि आपने उस नोवेल में मेडिवल हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, तो कहीं इसका सक्सेस का रीज़न ये तो नहीं है कि आपने इसको मेडिवल हिस्ट्री के बारे में इसमें जिक्र किया हुआ है? तो अम्बर्टो इको बोलते हैं कि हो सकता है कि उस नोवेल का सक्सेस का रीज़न मेडिवल हिस्ट्री हो, लेकिन वो अब एक फिर एक इंसिडेंट रिलेट करते हैं कि जब वो बुक को पब्लिश कराने गए थे एक अमेरिकन पब्लिशर के पास, तो वो अमेरिकन पब्लिशर बोली थी कि ये बुक 3000 कॉपी से ज़्यादा वो लोग नहीं, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं बेच पाएंगे। लेकिन बाद में तो क्या हुआ, ये तो हिस्ट्री है, वो लगभग गिरा, मोर देन 10 मिलियन कॉपीज़ बिका इस नोवेल का, ठीक है। तो आगे क्या हुआ किसी को पता नहीं है। वो बोलते हैं कि ये जो इसका जो सक्सेस है वो क्या रहा है, एक मिस्ट्री रहा, ये बुक इतना सक्सेस क्यों हुआ, द नेम ऑफ द रोज एक नोवेल है, वो कितना सक्सेस क्यों हुआ इसका रीज़न किसी को नहीं पता है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट कि कब कौन सक्सेस हो जाए। वो बोलते हैं कि अगर ये नोवेल जो नेम ऑफ द रोज है ये अगर 10 साल पहले या फिर 10 साल बाद लिखा जाता तो हो सकता है ये इतना सक्सेस नहीं होता जितना कि ये उस टाइम में हो गया, ठीक है। तो यही है फिर ये स्टोरी का समरी। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा, काफ़ी जल्दी जल्दी इसको कवर किया गया है, हो सकता है एक दो चीज़ छूट भी गया हो, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे जो आई बटन में लिंक दिया गया है इस पूरे चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जिसमें आपको डिटेल समझाया गया है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे। पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज, डिस्पाइज मतलब हेट बींग इंटरव्यूड, इंटरव्यू क्यों नहीं देना चाहते हैं वो लोग। Some celebrities see themselves as victims and despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives. Celebrities का मानना है कि interview क्या है, एक unwarranted मतलब unnecessary intrusion है, intrusion मतलब दखल देना into their lives. V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. तो सब writer का यहाँ पर जिक्र किया गया है। फिर दूसरे हैं Lewis Carroll says that he has just a horror for the interviewer and he never consented to be interviewed. कभी ने उन्होंने agree नहीं किया interview के लिए। फिर आते हैं अगले writer पे जो कि है Rudyard Kipling, expressed an even more condemnatory attitude. ये तो और भी निंदा करते हैं interview का towards the interviewer. His wife, उनकी पत्नी का कहना है कि her husband मतलब Rudyard Kipling बोलते हैं कि he considered an interview as a crime. वो एक क्राइम मानते हैं, एक इमोरल एक्ट मानते हैं, एंड डज इट मेरिट्स पनिशमेंट। तो इंटरव्यू जो भी लेता है उसको क्या मिलना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए, ऐसा मानना है Rudyard Kipling का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज, कुछ पॉजिटिव व्यूज भी बताएं। तो इंटरव्यू इन द 130 ईयर्स ऑफ इट एग्जिस्टेंस, 130 साल पहले आया था, हैज़ बिकम एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ जर्नलिज्म, ठीक है। इट इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बन चुका है ये। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट एंड एज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, ठीक है। डेनिस ब्रायन हैज स्टेटेड दैट इन टूडेज वर्ल्ड वी गेट टू नो आवर कंटेम्पररीज थ्रू देयर इंटरव्यूज, इजी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। क्वेश्चन नंबर थ्री है अम्बर्टो इको इज एन एकेडेमिक एज वेल एज अ फेमस नॉवलिस्ट, एकेडेमिक मतलब नॉन फिक्शनल राइटर और फेमस नॉवलिस्ट मतलब फिक्शनल राइटर, ठीक है, वो दोनों ही है, तो इस पर कमेंट करना है हमें। तो डिस्पाइट गेटिंग फेमस एज अ नॉवलिस्ट अम्बर्टो इको ऑलवेज एसोसिएटेड हिमसेल्फ विद द एकेडेमिक कम्युनिटी, नॉवलिस्ट के रूप में फेमस थे लेकिन वो हमेशा एकेडेमिक कम्युनिटी के साथ एसोसिएट किए, मतलब इनका कॉन्फ्रेंस में वो पार्टिसिपेट करते थे वो। He has written only 5 novels, सिर्फ 5 novels लिखा है उन्होंने, as compared to 40 scholarly works, जबकि 40 academic books या फिर scholarly works बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि academic, scholarly, non-fictional ये तीनों synonymous हैं यहाँ पर, ठीक है, एक ही meaning है तीनों का। He considers himself as a university professor who writes novels on Sunday. When he presented his first doctoral dissertation in Italy, one of the professor was impressed by the way he told the story of his research. The professor impressed हो गए थे कि जिस तरीके से उन्होंने स्टोरी को नरेट किया था
इंक्लूडिंग हिज ट्रायल्स एंड एरर्स, ये सब भी उन्होंने लिखा था रिसर्च पेपर में। हिज एसेज ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट, हमेशा वो नैरेट करते हैं हर चीज़ों को। ही स्टार्टेड राइटिंग नॉवल्स क्वाइट लेट एट द एज ऑफ 50, 50 साल के हो गए थे तब उन्होंने लिखना शुरू किया, बाई एक्सीडेंट टू सेटिस्फाई हिज टेस्ट ऑफ नरेशन। अचानक एक एक्सीडेंट, मतलब अचानक से उन्होंने एक नॉवल लिख दिया और काफ़ी वो फेमस भी हो गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पर, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव अबाउट अम्बर्टो इकोस एकेडमिक राइटिंग स्टाइल, जो उनका एकेडमिक बुक्स था, स्कॉलरली बुक्स था, उसमें क्या यूनिक था? तो अम्बर्टो इकोस एकेडमिक राइटिंग स्टाइल इज पर्सनल, इनफॉर्मल एंड प्लेफुल। ठीक है, उसमें एक पर्सनल टच होता है, इनफॉर्मल मतलब एक स्टोरी जैसा लिखा जाता है, और प्लेफुल काफ़ी एनर्जेटिक होता है। ही फील्स हीज रिसर्च स्टोरीज विथ ऑल द ट्रायल्स एंड एरर्स, ये सब भी इंक्लूड करते हैं, सो डैट इवन हीज रिसर्च वर्क हैज़ द यूनिकनेस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। उनका रिसर्च वर्क भी पढ़ेंगे तो लगेगा कि आप एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, एक क्रिएटिव राइटिंग पढ़ रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली इन्फॉर्मेटिव बट ऑल्सो इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेशन तो मिलता ही है बल्कि इंटरेस्टिंग भी होता है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच, कैसे उनको टाइम मिलता है चीज़ लिखने का? तो देर आर टू फैक्टर्स दैट एक्सप्लेन हाउ इको वॉज एबल टू राइट सो मच, दो रीजन है। अकॉर्डिंग टू इको द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन हैज एम्प्टी स्पेसेस, हर सबके लाइफ में एम्प्टी स्पेसेस है। एम्प्टी स्पेस का मतलब पीरियड विथ नो इंपॉर्टेंट जॉब्स, जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है। ही सेज दैट ही डिड मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग्स ड्यूरिंग दीज फ्री इंटरवल्स, तो उन्होंने ज़्यादातर राइटिंग्स इसी टाइम में किया हुआ है। दूसरा रीजन है, ही एक्सप्लेन्स दैट पीपल वंडर दैट ही हैड रिटन सो मच ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, लोगों को लगता है कि वो अलग अलग सब्जेक्ट में कितना सारा चीज़ लिख चुके हैं। बट द फैक्ट इज दैट ही वॉज राइटिंग ऑन द सेम लाइन्स एंड सेम इंटरेस्ट, पीस, नॉन वायलेंस एक्सेट्रा। लेकिन फैक्ट तो ये था कि वो एक ही चीज़ के बारे में बार बार लिखते थे, मतलब एथिक्स और फिलोसॉफिकल जो इंटरेस्ट था उनका, मतलब पीस, नॉन वायलेंस, ये सब चीज़ के बारे में वो हर चीज़ में लिखते थे। ऑल हिज वर्क्स वर लिंक्ड विद द थ्रेड ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, सब उनके सभी जितने बुक्स वो लिखते थे सब में एक ही मैसेज हमें मिलता था। इट सेव्स टाइम, इसे टाइम भी बचता है, एंड ही कुड राइट अ लॉट इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय में वो बहुत सारा चीज़ लिख पाते थे। तो दो रीज़न था उनकी कि वो इतना ज़्यादा चीज़ लिख पाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोबल द नेम ऑफ द रोज, ये नेम ऑफ द रोज इतना सक्सेस क्यों हुआ? तो देर आर नो वन रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस, एक रीजन नहीं है इसका सक्सेस होने का। अम्बर्टो इको हिमसेल्फ कॉल इट सक्सेस अ मिस्ट्री, वो खुद ही बोलते हैं कि इसका सक्सेस मिस्ट्री है। इट इज़ पॉसिबल दैट अ डिटेक्टिव स्टोरी दैट डेल्व इंटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री इंटरेस्टेड द रीडर्स बिकॉज द टाइम इन विच इट वॉज रिटन वॉज मोस्ट अप्रोप्रिएट। हो सकता है कि ये जो डिटेक्टिव स्टोरी था, मतलब ये डिटेक्टिव स्टोरी था ये वाला, ठीक है, इसमें मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, मेडिवल हिस्ट्री, ये सब चीज़ इंक्लूड किया गया था। हो सकता है ये सक्सेस इसलिए हुआ क्योंकि ये एक मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम में पब्लिश किया गया था, मतलब लिखा गया था, ठीक है, तो इस रीज़न से वो सक्सेस हुआ। लेकिन फिर भी उसका सक्सेस क्या है, एक मिस्ट्री है। तो ये 6 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और इस 6 क्वेश्चन का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके के वीडियो बहुत सारे यहाँ पे मिलेंगे। और क्लास 12 का अगर बाकी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखना है, क्वेश्चन आंसर देखना है, तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सारा टॉपिक कवर करा दिया गया है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी पूरा कवर किया गया है, ठीक है, आप इसको ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में देखिए, आपको आपके काम के लिए काम का चीज़ बहुत सारा चीज़ मिलेगा। इतना ही है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।